बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज से मैं हूँ सबा मुनीर। नाज़रीन, आपको आगाह करें झंग से, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार भट्टी के मुताबिक झंग में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी का इजलास चेयरमैन एजाज हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों की 7 दरख्वास्तों का जायजा लिया गया और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए गए। चेयरमैन एजाज हुसैन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की शिकायत का हल हमारी अवलीन तरजीह है और ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून ममालिक रहकर वतन अजीज के लिए सरमाया भेजते हैं। चेयरमैन एजाज हुसैन ने वजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों के असासाजात और अमानतों की हिफाजत करें। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया ने बात करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, उनको दरपेश इश्यूज़ के हल करने के लिए हुकूमत ने ज़िले सतह पर ओवरसीज़ कमेटियाँ कायम की हैं। जबकि शाहिद अब्बास जोया ने इस मौका पर कहा कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान भेजते रहें ताकि हमारी मौशी हालात बेहतर हो सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज़।